वन दिस इज उमा जी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन लातुरकर उमा जी चैनल। सो आज का दिन है पांचवा, और पांचवा या छठा दिन मंडे से लेके काउंट करूँ तो शायद वे फिफ्थ डे है। आई एम इन क्रकाओ एंड आई एम अगेन ऑल सेट टू गो टू ऑफिस। दिस इज माई टूडेज लुक, मैं बाद में भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली आज के शर्ट्स में बहुत सारे रिंकल्स पड़े हुए हैं बिकॉज ढेर सारा सामान बैग में ऐसे ही पड़ा होता और उसके नीचे शर्ट दबा होता और इधर उधर उछाल के पता नहीं बहुत सारे टी शर्ट शर्ट्स को रिंकल्स आ गए हैं। और एनी वेज वो तो चलेगा बिकॉज लॉन्ड्री का कुछ ऑप्शन नहीं है और है भी तो थोड़ा महंगा है, तो हम लोग वो तो कुछ ट्राई करेंगे नहीं। हमने बेड को सेट कर दिया है। आज का टेम्परेचर 9 डिग्री है, 9 डिग्री में आज सर्वाइव करना है। 9 डिग्री से लेके आफ्टरनून तक वो 16-17 तक जाने वाला है, बट अभी जो फिलहाल जो है 9 डिग्री है, जो कि शायद ये जैकेट या फिर ब्लेजर भी कुछ काम नहीं आने वाला है। सो शायद मुझे आज जरूरत होती थी उस जैकेट की, बट कोई बात नहीं। सो ऑल सेट हूँ मैं ऑफिस जाने के लिए। नीचे जाते हैं एज यूजुअल, ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। आज एडिशनल क्या है, आज लंच जो है ऑफिस का स्पॉन्सर नहीं है, बट हम लोग सब लोग अपना अपना पे करने वाले। बट जो होटल चूज किया गया है, ऑफिस के थ्रू चूज किया गया है, वहां पे हम लोग अलग सी डिश ट्राई करने वाले हैं। तो वो डिश क्या है मैं बता देता हूँ। गूज, गूज मतलब बदक, एक डिश हमें ट्राई करने वाले। यहाँ पे आके बहुत सारा कुछ वैरायटीज ट्राई कर चुका हूँ, तो मुझे फ्यूचर में कभी ऐसा लगा कि ये खाया है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत कुछ खाया हुआ है। सो यहाँ आने के बाद तो नॉर्मल डिश तो मैं खाऊंगा नहीं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ के, यहाँ का स्पेशलिटी जो भी रहेगा या फिर जो भी अलग लग रहा है वो मैं खाऊंगा। तो इसलिए मैंने आज टर्की या फिर गूज, इन दोनों में से एक खा सकता हूँ। सो लेट्स गो। तो ये है मेरा आज का लुक, सेम शूज बट विथ डिफरेंट पैंट एंड शर्ट। ढेर सारे रिंकल्स आए हुए, अभी मुझे पता नहीं ये दिन, शायद ये दोपहर तक निकल जाएगा। अब जैकेट वगैरह ऊपर तो पहनूंगा ही, बट ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है मेरे को। सो ये जो पीछे साइड में कपड़े देख रहे हो ना, लेट मी शो यू, ढेर सारा कपड़ा हफ्ते भर का अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। मुझे पता नहीं, मैं इसको लॉन्ड्री को तो डेफिनेटली नहीं दूंगा बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है। तो मे बी आज रात को या फिर या आज ही रात को एक टाइम है जहाँ पे मैं इसको धोने की कोशिश करता हूँ। अगर आज धोया तो ये शायद अगले 2 दिन में सूख जाएगा, और अगर निकलने का प्लान हो गया तो यू नो, सो लेट्स सी, अगर प्लान हुआ तो ही धोऊंगा, अदरवाइज नहीं धोऊंगा, रिपीट कर सकता हूँ। सो यही एक ऑप्शन है मेरे पास, और अदरवाइज मैं नया क्लॉथ खरीद सकता हूँ अगले प्लान के लिए। चलो लेट्स गो डाउन। फाइव इन द मॉर्निंग और आज हम वापस उतर गए ट्रैम से। सो बेसिकली 7 स्टॉप है यहाँ से उतरने के लिए। पहला आता है स्टार्ट गैत्रुदे, अभी मुझे प्रोनाउंस ठीक से करने आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट इतने दिन से थोड़ा सा आदत सा हो गया। सैन गैत्रुदे आता है, फिर वो वॉवेल आता है, इन दोनों के बीच में हमारा होटल आता है। देन आता है स्ट्रैडम, फिर आता है प्लैक वॉलनेका, फिर आता है कोरोना, एंड देन आता है स्मॉल की, फिर आता है रोंडो और ये रिजमिस्ट का ऐसा करके कुछ तो स्टॉप का नाम है। तो ऐसे टोटल 7 स्टॉप है होटल से लेके यहाँ तक। पहले लास्ट के दो और पहले दो, इसके बीच में होटल और ऑफिस है। सो या जाके काम करना है एंड देन आफ्टरनून के लंच के टाइम पे तुमको दिखा देता हूँ क्या खाने वाला है। कितना ब्लॉक डालेगा तो तीन तीन ना, तीन तो मिनिमम डाल तो कुछ लगेगा।
अरे साइड ला के ना इकडे घेऊन एक एक कसं काढ व्हिडिओ मध्ये तेरा आवाज भी आहे इसके लिए सब पूरा चलो अच्छा है। पोर्ट्रेट में भी वीडियो आता है क्या? वीडियो में भी पोर्ट्रेट मोड है यानी क्या मोड है क्या? साढ़े बारह यहाँ पे लंच सब लोग थोड़ा जल्दी करते हैं। पम्पकिन नहीं पम्पकिन राइट शायद ये यही सामने वाला होटल है या फिर लास्ट वाला होटल है। आज कुछ नया होटल मिल रहा है खाना खाने के लिए। कुछ लोग आगे हैं कुछ लोग और भी पीछे हैं। ठंडा हवा अभी भी लग रहा है हालांकि यहाँ पे देखो इतना सारा कड़क धूप लग रहा है बट कुछ भी फील नहीं हो रहा। एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट दिस लुक्स लाइक अ लिटिल ओल्ड बट यहाँ पे हर जगह ऐसे ही तुम्हें स्ट्रक्चर मिल जाएंगे देखने के लिए। सो आई डोंट नो और कितना लंबा चलाएंगे बट या दो आगे दो तीन पीछे फिर तीन आगे ऐसे करके ऑलमोस्ट 20 लोग जा रहे हैं। या सो फाइनली ये वाला होटल है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। सब लोग आगे गए हैं मैं पीछे हूँ। थोड़ा मुझे ये वाला शूट करना था स्टैचूज थोड़े से वल्गर लगेंगे बट है। नाइस प्लेस ये वाला रेस्टोरेंट रेस्टोरेंसिया जो भी है फाउंटेन। ओ वहाँ पे एक छोटा सा कैसल टाइप है और ये कुछ लोग आउटसाइड बैठे हैं कुछ लोग इनसाइड। लेट्स गो इनसाइड एंड हैव समथिंग। ये हमारा टेबल इसमें सब लोग अभी रफा बैठ जाएंगे और कफा कप खाएंगे। वेल 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 खाना खा के हो गया। वहाँ पे एक देख हार्ली खड़ी है। आधा पौना घंटा खत्म हो गया डिनर खत्म हो गया सॉरी लंच खत्म हो गया। अभी वापस जाएंगे ऑफिस में एंड देन आफ्टर 2 hours प्रॉबेबली विल गो फॉर शॉपिंग और समवेयर एल्स। फिलहाल का दो प्लान है लंच तो हो गया बट अभी शॉपिंग बचा है एंड देन उसके बाद दो चीज़ें करनी है। जब से मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि दो ही लोग रेडी है उस बड़े वाले बलून में बैठने के लिए। अगर वो फिक्स हुआ तो ही डेफिनेटली आगे वाला प्लान करेंगे अदरवाइज डायरेक्ट शॉपिंग के लिए जाएंगे। थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे तगड़ा तो शॉपिंग करने से रहे और फिर शाम तक कुछ लोगों को क्लबिंग भी जाना है तो वो भी प्लान में ऐड हो रहा है बिकॉज़ टुमारो इज़ द लास्ट डे
और डे आफ्टर मतलब सैटरडे को 6 बजे मॉर्निंग का फ्लाइट है हमारा म्यूनिक के लिए। उसके पहले ही मतलब आज और कल के दिन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जाके लोग बहुत सारे बता रहे कि ये तुम ट्राई कर सकते हो, वो तुम ट्राई कर सकते हो, बट अभी टाइम नहीं है। और ऑफ कोर्स ऑफिस के बाद वो सब ट्राई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट लेट्स सी, होगा तो हम लोग ट्राई कर ही लेंगे। अच्छी खासी है लेकिन फिर भी ठंडी वैसी की वैसी है। अभी कोई बोलेगा नहीं, दोपहर के ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है और ये वाला माहौल है। आफ्टरनून हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, सब सब सेम रहते हैं यहाँ पे। यहाँ से प्लान है शॉपिंग जाने के लिए और उसके बाद कुछ लोगों को क्लबिंग जाना है वो डिसाइड हुआ है, तो फटाक से यहाँ से जाते हैं, ट्रैम पकड़ते हैं सीधा जाके बोनार का या फिर मोनार का करके कोई तो प्लेस है, वहाँ पे जाके शॉपिंग करनी है। एंड देन उसके बाद शाम को लेट नाइट तक या फिर जितना भी टाइम हमें मिलेगा उस हिसाब से हम लोग थोड़ा क्लबिंग जाएंगे। कुछ लोग इंटरेस्टेड है, कुछ लोग इंटरेस्टेड अभी भी नहीं है, बट जो भी प्लान होगा हमें तो बस ज्वाइन करना है उसको। लेट्स सी। ये वाला शॉपिंग सेंटर है आज का, यहाँ पे करेंगे शॉपिंग। अभी पता नहीं हर किसी को जो अपना अपना टाइमिंग और जो भी पसंद आएगा वो ले ले। सेम लाइक मॉल, इसका नाम, ये एरिया का नाम बोनार का है। पता नहीं कितना हम लोग इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे, बट बोनार का ऐसा है, सेम मॉल लग रहा है, सेम मॉल। नया ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है लेने के लिए, जो चीज़ें इंडिया में मिलती है वही चीज़ें ये भी मॉल में है। हाँ थोड़ा बहुत अलग अलग है लेकिन लेने लायक ऐसा अलग ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ पॉट्स है या दिया जलाते ना ऐसा कांच वाला वो है, एंड देन वो रेगुलर चीज़ें हैं जो हम लोग दिए वगैरह जलाते हैं, वो थोड़े से शेप में, हाँ डेफिनेटली थोड़ा अलग है, बट नो सेम लाइक इंडिया। तो लेने लायक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, उनके ऊपर यू नो प्राइसेस दिया हुआ है। वो साइड में पूरा गाड़ी का, घर का, जो प्लम्बिंग का काम होता है गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स वो सब है। और देखो ऑटो, हाँ कुछ नहीं लग रहा है लेने लायक। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो डेफिनेटली मुझे इंडिया में मिले ना, या फिर मिले तो रेयरली मिले, तो ऐसा कुछ चाहिए। ये देखो यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स है जो 3.29 zloty, ये देखो इनका प्राइस लिखा हुआ है 7.59 zloty, ये पूरा इनका प्राइस लिखा हुआ है। सो कुछ ऐसा है, ये डेफिनेटली इनके इधर क्रिसमस में काम आता रहेगा, बट ना अपने काम की यहाँ कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो इतने राउंड मारेंगे, है बड़ा बट हमारे लिए लेने लायक कुछ चीज़ें दिख नहीं, शायद ये मिट्टी है। मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी भी बेचते हैं, खाद टाइप कुछ तो रहेगा ना, नहीं पता नहीं, और पढ़ के भी कुछ समझेगा नहीं, तो वो है डेफिनेटली ये शायद मिट्टी है। यहाँ पे प्लांट्स, ये तो रियल प्लांट्स हैं। फिर यहाँ पे कुछ अब ये प्लांट्स में डालने के लिए कोई तो शैम्पू वैम्पू कुछ तो रहेगा, ग्लव्स है। यहाँ पे दारू का दुकान आ गया, दारू के दुकान में मिलेगी यहाँ पे शायद ये वाइन है, शायद ये सब वाइन सेक्शन है ये पूरा।
मेरा कहीं बैग बोतल को लग के बोतल टूट ना जाए, या पूरा वाइन सेक्शन है शायद, ये चैम्पियन हो सकता है बिकॉज ऐसा लग रहा है ये USA अर्जेंटीना उनके कंट्री वाइज उनका बाइफर्गेशन किया हुआ है। ओके ना ना जी ना, अपने लिए कुछ है नहीं, फिर भी देखे जा रहे हैं। कितना राउंड मारेगा, कोई कुछ ले नहीं रहा, वो एंड तक भी जाएंगे चल के तो कुछ ढंग का मिलेगा नहीं लेने के लिए। कुछ दो तीन जैकेट देखा, दो तीन जैकेट में मुझे 109, 139, 120 zloty, मतलब 4-4.5 हज़ार तक एक नॉर्मल जैकेट प्राइस है। नॉर्मल जैकेट है हमारे लिए तो 150 zloty के आसपास कुछ है ही नहीं। फिर कुछ भी लो, छोटे बच्चे का से लेके बड़ों तक, जेंट्स से लेके लेडीज तक, सब उतना ही प्राइस है। नॉर्मल रेंज ज़्यादा है। इंडियंस अगर आते हैं तो थोड़ा सा सोच के शॉपिंग करना पड़ेगा। ये तो चलो फिर भी नॉर्मल है। अभी हम कल परसों जब जाएंगे म्यूनिख में, जर्मनी में बहुत महंगा है। नॉर्मल आदमी तो हम लोग इंडियन सोच भी नहीं सकते कि उसमें कुछ खरीदने का। पानी तक महंगा मिलता है, और डेफिनेटली यहाँ पे भी पानी महंगा है, बट यू नो चलो कुछ मिला देखने लायक लेने लायक तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। मैं तो थक गया, 6:15 बज रहा है शाम के और अभी भी हमारे शॉपिंग चल रहा है। एंड बाकी है, यहाँ पे कुछ लोग कभी भी खड़े हैं। बस उतना होने के बाद हम लोग जा रहे हैं क्लबिंग के लिए। दो तीन लोग घर पे आई मीन होटल गए हैं, बाकी हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये देखो यहाँ का एग्जिट, दिस इज द एग्जिट। यहाँ से बाहर आते हैं, बाहर आते हैं तो ये कुछ ऐसा व्यू दिखता है। हाँ, 2 घंटा शायद हो गया है, पैर इतना दर्द कर रहा है खड़े खड़े इधर उधर घूम घूम के, कि बस अभी ऐसा लग रहा है कहीं पे जाके थोड़ा देर बैठ जाए तो लेट जाए, कुछ तो करे, बट वो भी नहीं कर सकते कोई। तो अभी यहाँ से बस पकड़ेंगे और सीधा चले जाएंगे क्लबिंग टाइम। लेकिन थोड़ा सा चेंज, अभी हम लोग जो शॉपिंग किया हुआ सामान था वो घर पे रखने आए, मैंने होटल पे रखने आए हैं। एंड देन उसको रखने के बाद 10-20 मिनट जो भी है चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे, एंड देन हम लोग वापस जाने वाले हैं। वैसे भी थोड़ा थक तो गए हैं क्योंकि चला बहुत है और शॉपिंग हो गया है, जितना करना था थोड़ा बहुत हो गया, अभी भी थोड़ा बाकी है, कुछ चीज़ें लेना बाकी है। चलो अभी फ्रेश होते हैं एंड देन चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं। वेल अपन हो गए रेडी, आज का कुछ ब्लैक टी शर्ट बिकॉज आज क्लबिंग जाना है, थोड़ा सा डांस करेंगे और थोड़ी सी मस्ती करने वाला है। इसके लिए अपन ने पहना टी शर्ट एंड जीन्स विथ रेड शूज़। तो 7 बजे का टाइम था, एग्जैक्ट 7 बज रहे, इंडिया में 10:30 हो रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे 7 o'clock इन द इवनिंग। सो आज के प्लान में हम 4 लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ आउटडोर विंडो शॉपिंग बाकी है, क्योंकि अभी जो शॉपिंग की है मॉल में वो है सिर्फ चॉकलेट्स एंड ऑल, वो सब खरीदा है, बिकॉज बाकी का सामान थोड़ा बहुत लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं स्क्वेयर वही जो एरिया जो ऐसा स्क्वेयर टाइप है ना, जहाँ पे भी छोटे छोटे स्टॉल है खाना खाने के, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ मिलता है कि नहीं। देन 1-2 लोग जो है वापस डायरेक्ट हमें वहाँ पे क्लबिंग में मिलने वाले, सो स्टे ट्यून्ड, दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड। इस तरह से मैं दिख रहा हूँ आज, ये जीन्स मैंने बहुत दिनों बाद निकाली है, मतलब जब से आया तब से ये जीन्स को निकाला नहीं था, 2 जीन्स था वो यूज़ किया हूँ, एंड देन दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग।
ये ब्लैक टी शर्ट तो मैं अभी ऐसे ही पहन रहा हूँ बिकॉज बाहर बहुत ठंड है, तो डेफिनेटली ये वाला डेनिम शर्ट मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, तो इसको मैं पहनूंगा। बैग मैंने ऐसे ही रखा है, ये वाला बैग ऐसे ही रखूंगा। एंड देन अभी डांस करेंगे तो डेफिनेटली गर्म होगा, तो इसको उसको मैं उतार दूंगा, लेकिन जब ठंड लगेगी तो उसको पहन लूंगा, तो थोड़ा सा हीट बरकरार रहेगा। सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। चलो मिलते हैं बाहर, स्टे ट्यून्ड। दिस इज हाउ इट इज लुक्स। 8 बज रहे हैं और जिस चीज़ का हम लोग वेट करके या फिर शॉपिंग विंडो शॉपिंग काइंड ऑफ थिंग कर रहे थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, वो तो पूरा गायब ही हो चुका जो हम लोग पहले दिन देखे थे। कुछ चीज़ें ऐसे हमें लोकल चाहिए थी। अभी एक यहीं पे एक छोटा सा स्टॉल दिख रहा है। अदरवाइज जिस दिन हम लोग आए थे आई थिंक सैटरडे और संडे था, उस दिन ये इसके पीछे वाली गली में इतना सारा मार्केट बड़ा था कि हर एक चीज़ वहाँ पे मिल रही थी, बट अभी आए तो वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका है। सो ये है स्क्वायर एरिया, हालांकि ये तीसरी बार मैं बता रहा हूँ शायद, बट रात में अभी ऐसे में खुली आंखों से देखूँ तो ये बहुत सही लग रहा है डिम लाइट के साथ हर जगह पे। यू नो अपने इंडिया में मुंबई में कैसा है वो वैसा दिख रहा है, जैसे मुंबई में अपना CST स्टेशन दिखता है ना, वैसा ही हाईलाइट किया हुआ, बट इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। अभी क्या है, चीज़ें कुछ है, कुछ मिल रही है कुछ नहीं मिल रही है, तो वो देखेंगे। और ख़ास करके मैं अपने घर वालों के लिए कुछ लेने की कोशिश कर रहा था, बट अभी तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बस अभी देखते हैं और कहाँ कहाँ मिल सकता है। गलियाँ थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वहाँ पे एक सामने एक शॉप दिख रहा है, यहाँ पे वहाँ पे जाके देखेंगे। अदरवाइज़ डन फॉर द डे, और डायरेक्टली क्लबिंग कर सकते हैं या फिर दूसरा कुछ और। लेट्स सी यहाँ पे है कुछ। This is 1 o'clock in the night. अभी बजे रात के 1:15 और ऐसा लग रहा है अभी अभी दोपहर हो ही है, बिकॉज इतने सारे लोग आउटिंग मतलब बाहर है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रात हुई है। हाँ गॉड, 1:15, 1 बजे वहाँ से निकले हम लोग, 1:15 हो गया है, ऑन द वे है जाके, ऐसे सोने वाले हैं। कल फिर से ऑफिस है, उठने के लिए अभी से डर लगने लगा है, बट यहाँ के लोग बहुत सारे आउटिंग के इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग आउटिंग करते हैं, मतलब रात भर क्लबिंग एंड ऑल यही सब पार्टी शार्टी करते रहते हैं, बट हमारे लिए नया था। चलो देखते हैं, अभी घर पे जाके सीधा डूस, कल सुबह मिलते हैं। यहाँ से स्ट्रेट जाके राइट में जाएंगे तो होटल आएगा, ये वाला स्ट्रेट रोड जाएगा गेट रोड स्टेशन पे, या फिर यहाँ से भी जा सकते। इतना अंधेरा है, 1:30 बज गया है, अभी भी हम लोग चल रहे हैं। 1:30 कैसे 1:45, हाँ 1:45 हो गया, और ये है मुंबई का टाइम, ऑलमोस्ट 5 बज रहा है। आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी इट, बट 5 बज रहे एंड वी आर स्टिल आउट। चलो ये भी दिन देखने मिल रहे, ये भी दिन एंजॉय करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये कल के बाद कभी नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग बाहर है, अदरवाइज डेफिनेटली ये कुछ नहीं करते थे। लेकिन अजीब बात क्या है पता है, लोग बाहर है मुंबई में होते हैं, बट इतनी नहीं मात्रा में होते जितने यहाँ पे, लिटरली दोपहर में जैसे लोग होते, दोपहर में तो डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा होते, बट ऐसा लगता है कि
गाड़ियाँ तो गाड़ियाँ भी चल रही है और लोग बहुत सारे हैं। ये तो अभी चलो ये रोड पे है, मेन रोड पे, बट गलियों में भी और क्लब में भी तो ढेर सारे लोग थे। बाप रे, बहुत थक गया यार। शाम 5 बज रहे हैं मुंबई के, आई मीन इंडिया के, और अभी हम लोग आए हैं घर पे। मैं जस्ट आया, बाकी सब लोग अपने अपने फ्लोर पे चले गए। ओह, अच्छा खासा थक गया हूँ। और सुबह कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है ऑफिस के लिए। आई डोंट नो कैसे होने वाला है, हम लोग सब कैसे करेंगे, बट कैसे तो करना ही पड़ेगा। फटाफट चेंज करता हूँ और सो जाता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही लगता है, रखना चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।